हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि सी ड्राइव को जो है कैसे आप एक्सटेंड करना है, यानी कि आपकी सी ड्राइव का जो स्पेस है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, तो डी ड्राइव में से कुछ जीबी जो है आपको कैसे सी ड्राइव के ऊपर मर्ज करना है। जैसे आपको सी ड्राइव आपकी 100 जीबी की है और ये जो है फुल हो चुकी है, तो आपको डी ड्राइव में से 50 जीबी सी ड्राइव में कैसे ऐड करना है, या ई ड्राइव में से 50 जीबी आपको सी ड्राइव में किस तरह से ऐड करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो है एक पार्टीशन टूल जो है डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि फ्री है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने वेब ब्राउज़र यानी कि गूगल क्रोम या मोजिला किसी को आप ओपन करते हैं, उसमें आप सर्च करते हैं पार्टीशन विजार्ड नाम से आप सर्च करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर इस पर सर्च किया मिनी टूल पार्टीशन मैनेजर। इसको इसको जैसे आप सर्च करते हैं तो पहला जो यूआरएल यहाँ पे आपको दिखता है उस पर आपको क्लिक करना है, और इस तरह से आपको यहाँ पे एक दिखेगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, दो बटन आपको यहाँ पे दिखते हैं, डाउनलोड और गो टू प्रो। तो हमको क्या है, डाउनलोड करना है, क्योंकि हमें पार्टीशन करना है, हमें इस सॉफ्टवेयर के जो और फीचर्स हैं वो नहीं चाहिए, तो हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे आप इसको डाउनलोड करते हैं तो ये जो है आपका डाउनलोड हो जाता है, पार्टीशन टूल जो है यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे इसको सेव कर देना है। जैसे आप सेव कर देंगे तो आपके जो डाउनलोड फोल्डर है उसके अंदर जो है ये है आपका सेव हो जाएगा। दोस्तों जैसे ये डाउनलोड होता है तो आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आपके जो डाउनलोड फोल्डर है उसके अंदर आपको दिखाएगा, या आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपका रन हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से रन कर लेता हूँ, और अपना ये वेब ब्राउज़र है इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ, इसे ओके कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट जो है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है, तो उसी के साथ मैं इसको नेक्स्ट यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एग्रीमेंट एक्सेप्ट के लिए आता है, तो आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, और इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर लेता हूँ। कहाँ पर इंस्टॉल हो ये सॉफ्टवेयर होगा तो यहाँ पर आप इसका पाथ देख सकते हैं, इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। आपको अल्टरनेट कहीं और इसको इंस्टॉल करना है तो आप वहाँ से ब्राउज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट क्रिएट करना है, और पार्टिसिपेट करना है कस्टमर एक्सपीरियंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में, तो वो हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे और इसको यहाँ पे हम इसे इंस्टॉल कर देंगे। जैसे ही इंस्टॉल होता है तो यहाँ से हम इसको सीधा लॉन्च कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपका यहाँ पे इसको हम कैंसिल कर देते हैं, और तो इस तरह से दोस्तों आपका इसमें जो पहला इंटरफेस है इस तरह से आता है। तो हमको इसमें से क्या सेलेक्ट करना है, डिस्क पार्टीशन मैनेजर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो भी लॉजिकल ड्राइव है, हार्ड ड्राइव की, वो दिखाता है सी ड्राइव ई ड्राइव। हो सकता है किसी के उसमें सी ड्राइव और डी ड्राइव दिखाई, किसी के उसमें सी ड्राइव डी ड्राइव ई ड्राइव या एफ ड्राइव, जितने आपने पार्टीशन किए हैं वो सारे यहाँ पे दिखाएंगे। तो हमें क्या करना है, अपने सी ड्राइव को हमें यहाँ से एक्सटेंड करना है। तो मैं सी ड्राइव को सेलेक्ट करता हूँ, और सी ड्राइव पे मैं राइट क्लिक यहाँ पे करता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ। जैसे एक्सटेंड का ऑप्शन आता है, और यहाँ पे एक आपको बीच में ई ड्राइव दिख रहा है, तो आपके उसमें यदि दो और ड्राइव हैं तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ई ड्राइव भी आपकी ऑलमोस्ट फुल है, एफ ड्राइव आपकी खाली है, तो आप वहाँ से एफ ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे इसमें सिर्फ सी और ई ड्राइव है, तो ई ड्राइव में से मेरे को सी ड्राइव में मर्ज करना है। तो कितना पार्टीशन लेना है मेरे को, सिर्फ यहाँ से जो है 40 जीबी लेना है, तो मैं यहाँ से लगभग 40 जीबी सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। और ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टॉप में लेफ्ट साइड जो है एक अप्लाई का बटन है, तो यहाँ पे मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। तो अप्लाई पेंडिंग चेंजेस तो ये यहाँ पे आता है, तो मैं इसको यस कर देता हूँ। तो जैसे आप यस करते हैं तो यहाँ पे आप जो है प्रोसेस जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको अपना जो करंट पार्टीशन है वो दिखा देता हूँ। सी ड्राइव में भी 126 जीबी मेरा पहले का है, तो अभी देख लेते हैं पार्टीशन के बाद जो है ये कितना हो जाता है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रोसेस चल रहा है, टोटल है, रिसाइज पार्टीशन हो रहा है, जो भी उसमें उस
पार्टीशन के अंदर डेटा होगा वो इसको कॉपी करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप जो है ये सॉफ्टवेयर जो है आपका काम करता है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं वन ऑफ टू पेंडिंग ऑपरेशंस। तो अभी जब तक ये चलता है थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि आप आफ्टर पार्टीशन जो है कितना साइज कितना हो जाएगा, ये इतना काम हो जाएगा। और ये जो है आपका जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था 126 GB करीब था, तो अब देखिए ये लगभग 167 GB के करीब ये जो है पार्टीशन के इस प्रोसेस के बाद हो जाएगा। तो दोस्तों कभी भी जो है आपके सिस्टम में आपकी जो रूट ड्राइव होती है वो फुल हो जाती है। कई बार जो है हम कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और यदि हम सी ड्राइव में अपने डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स माई पिक्चर माई वीडियोज़ इसके अंदर बहुत सारा डेटा रखते हैं तो तब भी जो है हमारी सी ड्राइव जो है फुल हो जाती है। और कई बार जो है विंडो अपडेट्स इतने आते हैं और इतने प्रोग्राम हम इंस्टॉल कर देते हैं कि हम जो है इसको बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर सकते या हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है कि हम इसमें से डेटा को जो है मूव करें। तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो है इस पार्टीशन मैनेजर को जो है मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड 11.4 जो इसका करंट वर्जन है उसको डाउनलोड करके, क्योंकि ये फ्री है, इंस्टॉल करें आप और जो है अपना जो सी ड्राइव का स्पेस है उसको बढ़ाएं। दोस्तों इस प्रोसेस में जो है थोड़ा टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी सिस्टम के परफॉर्मेंस पे और कितना GB जो है आप जो है डेटा इसमें मर्ज कर रहे हैं उस पे भी ये डिपेंड करता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है सक्सेसफुली जो है प्रोसेस डन हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे ओके करूँगा और जो है इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम अपना पार्टीशन देख लेते हैं कितना GB का हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सी ड्राइव पहले 126 GB की थी अब वो देखिए यहाँ पे 166 GB की होगी, और जो ई ड्राइव पहले यहाँ पे जो है आपकी 345 करीब की थी वो अभी देखिए यहाँ पे 298 GB ही रह गई। तो दोस्तों इस तरह से कभी भी आपकी सी ड्राइव यदि फुल हो जाती है और आपके पास कोई अल्टरनेट विकल्प नहीं होता है तो दोस्तों फॉर्मेट करने से सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इस टूल को डाउनलोड करें और इस टूल को जो है आप इंस्टॉल करके जिस तरह मैंने इस वीडियो में बताया है ये स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपकी सी ड्राइव भी जो है एक्सटेंड हो जाएंगी। बस बस शर्त ये है कि आपकी डी या ई ड्राइव में जो है आपका स्पेस फ्री होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो और अपडेट्स जो है आपको आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।